हेलो एवरीवन। अभी हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि इसमें होता है हम हर एक चीज़ को देखे हुए रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ऐसे भी ब्रांच जो है इंटरेस्टेड ब्रांच है, क्योंकि इसमें हम हर एक, जैसे हाईवे की बात करेगा तो हाईवे देखा हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग की बात करेगा तो बिल्डिंग में हर एक कंपोनेंट को हम लोग देख चुके होते हैं, ठीक है। भले हम इंजीनियरिंग करें या ना करें, लेकिन फिर भी हम सभी चीज़, जितने भी मटेरियल, डैम की बात करेगा डैम भी देखे हुए होते हैं। मतलब कौन ऐसा चीज़ है जो सिविल इंजीनियरिंग में नहीं देखे होते हैं। तो उसी से रिलेटेड उसका मटेरियल पढ़ना, साथ में उसका टेस्ट पढ़ना। तो आपके जो सिलेबस में था वो मॉड्यूल वाइज था, कि मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल फर्स्ट में मटेरियल है तो फिर उसका टेस्ट है सेकेंड में, फिर स्टैंडर्ड टेस्ट है थर्ड में। तो पहले हम मटेरियल पढ़े तो 10-15 दिन लग जाएगा, फिर आप उसका टेस्ट करने जाएंगे तो फिर से आपको मटेरियल के बारे में पढ़ना होगा। क्योंकि जैसे सीमेंट अभी पढ़ के चल गए सब पढ़ते पढ़ते, फिर इस सीमेंट का टेस्ट करने जाएंगे तो अब याद ही नहीं रहेगा कि सीमेंट में कौन कौन सा पॉइंट था, ठीक है। सीमेंट का एक दो पॉइंट याद रहेगा, बाकी याद नहीं रहेगा। तो हमको फिर से आपको या आपको ही फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग ना, कि सीमेंट उठाएं तो सीमेंट भी पढ़ लेंगे और साथ में टेस्ट भी कर लेंगे इसका, ठीक है। जितने भी टाइप का इसमें टेस्ट है, टेस्ट को भी देख लेंगे। तो हम यहाँ पे मॉड्यूल वाइज ना करके लेक्चर वाइज कर देते हैं, क्योंकि जो तीनों मॉड्यूल में जो है आपका, तीनों को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सीमेंट पढ़ेंगे, उसका टेस्ट पढ़ लेंगे, उसका टाइप पढ़ लेंगे, मतलब जितना भी सीमेंट के बारे में पॉइंट है सब एक ही बार पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल फर्स्ट में सीमेंट पढ़ें और सेकेंड मॉड्यूल सेकेंड में जाके इसका टेस्ट करें, सबको एक ही बार पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीमेंट क्या है? तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। अब बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, पहले इसको आराम से समझिएगा, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा कि सीमेंट का वर्क क्या है। तो पहले सुनिएगा कि हम लोग ईट ब्रिक देखें, ब्रिक के बारे में भी बताने वाले हैं, ठीक है। सभी मटेरियल जितने भी यूज होगा ना आपके सिलेबस में, जितना है वो सभी को बताया जाएगा। एक दो एक्स्ट्रा ही बता देंगे, क्योंकि आप देखे होंगे मेरा जो नोट्स दिए हूँ उसमें मिक्सलेनियस मटेरियल को भी डाल दिए, ठीक है। कि एक भी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस तो दिया है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर देता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के मटेरियल है सभी को दे दिए यहाँ पे। तो ये ब्रिक है, मान लीजिए क्या है आपका, ब्रिक है, ठीक है। ये ब्रिक, जब हम ये ब्रिक मतलब ईट, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे टेक्निकल नाम लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि आप जो अभी तक यूज करेंगे उसको भूलते जाइएगा और टेक्निकल नाम पे आते जाइएगा। तो जो ईट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक। तो ब्रिक को जब हम दीवार लगाते हैं तो एक के ऊपर एक ऐसे ऊपर रखते जाते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड के नाम से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए थे, ठीक है। कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है आपका, ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड क्या है, ये सब पढ़ाए थे। तो वहाँ पे देखे होंगे कि बॉल बाल बनाने के लिए हम लोग एक के ऊपर एक ईंट को क्या करते जाते हैं, सजाते जाते हैं, रखते जाते हैं। तो बीच में एक पेस्ट फिल किया जाता है, बीच में एक पेस्ट डालते हैं। वो पेस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग मोर्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। अब ये मोर्टार क्या है, अच्छा आप अभी जस्ट आगे पढ़ना भी है मोर्टार क्या है, कंक्रीट क्या है, लेकिन अभी थोड़ा सा वर्ड आपको बताते हैं मोर्टार क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी बताते सिर्फ कि मोर्टार किसको कहते हैं, ठीक है। तो मोर्टार किसको कहते हैं, जब हम ऐसे सीमेंट, सीमेंट, सैंड, सैंड को हम लोग फाइन कोर्स भी बोला जाता है। सैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन कोर्स भी बोलते हैं। सॉरी, फाइन आपका फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, एक कोर्स एग्रीगेट होता है। क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। दोनों का मतलब समझिएगा, फाइन एग्रीगेट हो गया जो आपका सैंड हो गया, फाइन एग्रीगेट क्या हो गया, सैंड। और कोर्स एग्रीगेट जिसको आप लोग गिट्टी बोलते होंगे या सिर्फ एग्रीगेट बोलते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिट्टी, अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ना, गिट्टी आया हुआ है, छड़ आया हुआ है, ईट आया हुआ है, तो ही कोर्स। तो ऐसे तो फाइन, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट सैंड को बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट गिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो जनरल ऐसे यूज करते हैं तो सैंड को सैंड बोल देते हैं और कोर्स एग्रीगेट को खाली एग्रीगेट बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई आई होप क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन ये बहुत लोगों को रहता है कि समझ में नहीं आता कौन फाइन एग्रीगेट है, कौन कोर्स एग्रीगेट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब समझाते हैं आपको। तो अगर सीमेंट, सैंड और वाटर मिला देते हैं, सीमेंट, सैंड, एक सैंड और वाटर मिला देते हैं, तो यहाँ से जो पेस्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार। यानी जिसमें सिर्फ सैंड हो, सीमेंट हो, सैंड हो, वाटर हो, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। लेकिन वही बात करें अगर कंक्रीट की, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट क्या है, तो कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट भी रहेगा, सीमेंट भी रहेगा, सैंड भी रहेगा, एग्रीगेट भी रहेगा, ठीक है, एग्रीगेट भी रहेगा, और क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। तो जब ये कंक्रीट कब यूज किया जाता है, जब हम लोग ढलाई करते हैं, जैसे मान लीजिए बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं, स्लैब उसको बोलते हैं जो छत है, ठीक है, छत ढालते हैं, कॉलम डालते हैं, बीम डालते हैं, तब किसका यूज किया जाता है, कंक्रीट का यूज किया जाता है, फाउंडेशन बनाया, ठीक है। लेकिन सीमेंट मोर्टार का भी यूज किया जाता है, तब मोर्टार जब हम ईंट लगाते हैं, दीवार बनाते हैं, ईंट लगाते हैं ना, तब किसका यूज किया जाता है, मोर्टार का यूज किया जाता है। प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर देखें घर में जो प्लास्टर होता है, तो वो जो होता है किससे होता है, मोर्टार से होता है, उसमें सिर्फ सैंड, सीमेंट सैंड और वाटर होता है, ठीक है। तो ही अच्छा, अगर यही जो बता रहा था ना कि सीमेंट आपका क्या है, बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब क्या हुआ कि बाइंड करता है, अगर सीमेंट नहीं रहेगा ना तो बाइंड नहीं होगा। सैंड में पानी मिला दीजिए, बालू में पानी मिला दीजिए, कितना देर तक रहेगा, कुछ ही टाइम तक, जैसे सूखेगा सब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सैंड हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट, इसमें पानी मिला दीजिए, ये कभी जुड़ेगा एक दूसरे के साथ, नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई बाइंडिंग मटेरियल है ही नहीं, तो ही आपको लिया जाता है बाइंडिंग मटेरियल, जो है क्या आपका, सीमेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि सीमेंट ही एक बाइंडिंग मटेरियल है, लाइम को भी यूज किया जाता है, ठीक है। पहले के जमाने में सीमेंट नहीं था तो लाइम का यूज किया जाता था, ठीक है। तो कोई भी बाइंडिंग मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमेंट ही है जो एक बाइंडिंग मटेरियल है, सीमेंट है जो बेस्ट बाइंडिंग मटेरियल है, सीमेंट क्या है, बेस्ट बाइंडिंग मटेरियल। लेकिन और भी तरह के बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे तो लाइम, लाइम एक क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। देखे होंगे आपको क्या बोलते हैं, गाँव घर में ईंट जो होता है ना, उसको मिट्टी से भी मिलाकर बनाता है, है ना, एक ईंट दूसरे ईंट के बीच में मिट्टी रखकर, उसको मड मोर्टार बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मड मोर्टार बोलते हैं। जो ईंट, जो सीमेंट के जगह मोर्टार के जगह मिट्टी का यूज करता है, क्ले का यूज करता है, उसको हम लोग मड मोर्टार कहते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या हुआ कि सैंड को, वाटर को क्या करे, एक बाइंडिंग देने का काम करे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल। तो सीमेंट एक क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है, जो दो ईंट के बीच में जो हम मोर्टार फिल करते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो इट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी इसका रहता है। आपको जस्ट कल ही आपको क्या फ्लूड मैकेनिक्स मॉड्यूल 1 खत्म किए, उसमें आपको कोहेसन एडहेसन फोर्स के बारे में बताए थे। इन परसेंस ऑफ वाटर, सीमेंट इज मेड बाई एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट सच एज लाइम, जो सीमेंट होता है किस किस इन्ग्रेडियंट से मिलकर बना होता है, किस ग्रेडियंट से मिलकर बना होता है, तो लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एलुमिना हो गया, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नेशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अल्कलीज, ठीक है। तो ये सभी जो ग्रेडियंट्स है इसे मिलाकर सीमेंट तैयार किया जाता है। अगर आप भी इसको एक सही प्रोपोर्शन में अगर मिलाते हैं तो आप भी एक सीमेंट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, जो कंपोजिशन है सीमेंट का, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अल्कलीज, इसको किस किस प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि लाइम को हम पूरा लाइम ही दे दे, सिलिका दे दे, मतलब कितना कितना बराबर बराबर दे दे, कि मतलब कम बेस कितना होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो 62 से 67% तक आपको लाइम रहता है, कोई भी सीमेंट में 62 से 67% तक क्या रहता है, लाइम। अगर हम एक एवरेज की बात करें तो 63%, ठीक है, कितना 63%। लेकिन एक एवरेज ना, एक मतलब रेंज होता है कि 62 से 67% तक आप लाइम को डाल सकते हैं। सिलिका कितना होता है, 17 से 25, अगर हम एवरेज की बात करें तो 20%, ठीक है। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए, ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए, कि ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे रेंज देता नहीं है, अगर रेंज दे दिया तो अच्छी बात, लेकिन रेंज कभी ऐसा देखे नहीं है, सिर्फ क्या रहता है वहां पे, तो मतलब इसी के बीच में 62 से 67 के बीच में अगर ऑप्शन रहेगा कोई, तो उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। सिलिका क्या हो गया, 17 से 25, एलुमिना 3 से 8% हो गया, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% हो गया, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% हो गया, और आपका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया 0.1 से 4% हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 3% हो गया, अल्कली 0.2 से 1% हो गया। अगर इस प्रोपोर्शन में अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो आपको क्या
तैयार होगा, सीमेंट तैयार होगा, ठीक है, क्लियर। इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको देखने के लिए दिए हैं, इस टेबल को आपको याद रखना है कि कौन कितना परसेंट है। अच्छा, दूसरी बात आता है कि कोई सोच रहा होगा ना कि अगर हम इस प्रोपोर्शन में नहीं मिला है तो क्या होगा, क्या क्या परेशानी हो सकती है, उसी को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि हम आपको बताया गया था कि लाइम को 62 से 67% मिलाना है, क्या करना है, लाइम को 62 से 67% मिलाना है, अब मिला दिया 85%, तब क्या होगा, कुछ तो प्रॉब्लम आ सकता है सीमेंट में, क्या आ सकता है, उसी वही सबको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर सिलिका मिलाने का था 20%, ठीक है, 20% मिलाने का था, लेकिन हम मिला दिए यहाँ पे 17 से 25% था, मान लीजिए हम 14% मिला दिए, कितना मिला दिए 14%, अब क्या होगा, ठीक है, तो उसी को आइए पढ़ने वाले, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। तो आते हैं फंक्शन की बात करते हैं। जनरली जो लाइम होता है, लाइम का क्या काम है, जो सीमेंट में हम लाइम यूज कर रहे हैं उसका क्या काम है, तो लाइम का यूज काम है कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। अब साउंडनेस का मतलब कोई ऐसा मत समझिएगा कि उसमें आवाज जाना, साउंडनेस का मतलब है ना कि सेट आफ्टर द सेटिंग, सेट होने के बाद जब हम सीमेंट को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो सेट होने के बाद उसका वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसको अनसाउंड बोलते हैं, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो उसको साउंडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो लाइम, समझ रहे हैं, साउंडनेस एक बहुत ही यूनिक मतलब वर्ड है जो लोगों को समझ में नहीं आता कि साउंडनेस यहाँ पे कह क्या रहा है, ठीक है। तो उसको हम एक वर्ड में आपको सटीक आंसर दे दिए कि जो साउंडनेस होता है ना, कि मान लीजिए सीमेंट था इतना को वॉल्यूम, ये इतना ही था, ठीक है, अब हम इसको जम गया, सेट हो गया, सेट मतलब समझते हैं ना, पानी मिलाने के बाद छोड़ देते होंगे तो जम जाता होगा, तो जमने के बाद अगर इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, देखिए पहले इतना ही था, फिर से क्यूरिंग किए, क्यूरिंग मतलब पटाएं, तो फिर से ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम उसका चेंज हो जा रहा है, तो चेंज हो जा रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस। असाउंडनेस क्या हो गया, कि चेंज नहीं होगा, तो इट कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। जो लाइम होता है, लाइम का क्या काम है सीमेंट में, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका ये ब्रांच पेपर है, इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा, ठीक है, हर एक पॉइंट को समझते जाइएगा कि सीमेंट क्या है। ऐसे तो सभी लोग जानता है सीमेंट है वो, लेकिन सीमेंट के अंदर के प्रॉपर्टी को, इनर प्रॉपर्टी को आपको समझना, तभी तो आप इंजीनियर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो लाइम का क्या काम है वहाँ, तो कंट्रोल द स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। अगर हम इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में लाइम मिला दें, जैसे अभी बता रहे थे ना कि मिलाना है हमको, मान लीजिए 63%, अब मिला दिए हम 80%, तब क्या होगा, इफ़ इट इज प्रजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर आप इसको एक्सेस क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अनसाउंडनेस बन जाएगा। अनसाउंडनेस का मतलब अभी समझाया आपको कि आफ्टर द सेटिंग वॉल्यूम आर इंक्रीजेज, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस बोलते हैं, क्लियर है कि लाम। अच्छा चलिए हम ऐसे पूछते जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर कंपटीशन एग्जाम के लिए तो और अच्छा है, आपके सेमेस्टर में भी पूछा जा सकता है कि सीमेंट में हम लाइम का क्या काम है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, ऐसा पूछा जाएगा कि सीमेंट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सभी के फंक्शन को लिखिए, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पे लाइम है, दूसरा सिलिका है, तो लाइम स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस को कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में मिला दे तो वो अनसाउंडनेस हो जाएगा। सिलिका की बात करते हैं, सिलिका क्या है, तो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये भी क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर इसको हम अधिक मात्रा में मिला दे तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि सिलिका मिलाने से स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो अगर हम और ज़्यादा मिला दे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसका जो सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा और साथ में साथ सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बर्ड एराइज हो रहा है कि सर सेटिंग टाइम क्या है, तो सेटिंग टाइम ना 30 मिनट होता है, सीमेंट का कितना होता है 30 मिनट होता है, 30 मिनट कहने का मतलब ना कि जैसे आप पानी मिलाइए तो 30 मिनट तक ये क्या रहता है, वर्केबल रहता है, इसके बाद ये सेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट का, मतलब पानी और सीमेंट को अगर मिला दीजिएगा तो 30 मिनट तक वो उसमें कोई भी मतलब सेट होना स्टार्ट नहीं होता है, 30 मिनट के बाद सेट होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना, इसको बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 10 आवर, कितना होता है 10 आवर, 10 घंटा में इसका क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, तो वही बता रहा है कि अगर सिलिका को आप ज़्यादा मात्रा में मिला दीजिएगा तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसका ये जो सेटिंग टाइम है वो भी बढ़ जाएगा,
सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलिका क्या हो गया। अब आते हैं एलुमिना का। एलुमिना क्या है, इट प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग, ये जल्दी से सेट करने की प्रॉपर्टी देता है, कौन, एलुमिना, ठीक है। प्रॉपर्टी टू द सीमेंट एंड ऑल्सो लोअर डाउन द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, और ये लोअर डाउन कर देता है क्लिंकरिंग का मतलब ना, जब हम सीमेंट बनाते हैं ना तो उसमें बर्निंग करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उसी को बर्निंग टेम्परेचर को हम लोग क्लिंकरिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो इट प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग टाइम, ये क्या करता है, सीमेंट में क्यूक सेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको अधिक मात्रा में मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, सीमेंट वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, कमजोर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट अगर हम मिला सीमेंट में, अगर हम कैल्शियम सल्फेट डालते हैं तब क्या होगा, तो इट इज जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। जो कैल्शियम सल्फेट है वो जो सीमेंट में हम जब सीमेंट बना रहे होते हैं तो किसके फॉर्म में होता है, जिप्सम के फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है, इनक्रीज करता है, ठीक है। जिप्सम इज एडेड आफ्टर द क्लिंकरिंग रॉ मटेरियल, जिप्सम पहले नहीं मिलाया जाता है, बाद में मिलाया जाता है, ठीक है। जिप्सम बाद में मिलाया जाता है, कब मिलाया जाता है, जब क्लिंकरिंग टेम्परेचर के बाद, रॉ मटेरियल को अगर हम बर्निंग करते हैं उसके बाद जिप्सम को ऐड किया जाता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें, इट प्रोवाइड रेडिश ब्राउन कलर टू द सीमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड हार्डनेस। आयरन ऑक्साइड क्यों मिलाते हैं हम सीमेंट बनाते टाइम, आयरन ऑक्साइड क्यों मिलाते हैं, तो जो उसका देखते होंगे सीमेंट का कलर देखते हैं कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, तो उसी कलर के लिए हम किसको मिलाते हैं, आयरन ऑक्साइड को मिलाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, सीमेंट में जो हार्डनेस देता है वो कौन देता है, आयरन ऑक्साइड देता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन ऑक्साइड का क्या काम है, मैग्नीशिया का क्या काम है, जिप्सम का क्या काम है, जिप्सम का क्या काम है, कैल्शियम सल्फेट का क्या काम है, ठीक है, एलुमिना का क्या काम है, सिलिका का क्या काम है, लाइम का क्या काम, तो सभी को आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम आपको बता ही दे रहे हैं। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या उससे बेहतर है कि आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको कहीं डॉट होता है तो, ठीक है। मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशिया इट प्रोवाइड्स येलो कलर, उसमें येलो कलर जो प्रोवाइड करवाता है कौन करवाता है, मैग्नीशिया करवाता है, एंड हार्डनेस टू द सीमेंट, ये येलो। अच्छा, ऐसा पूछा जा सकता है कि आयरन ऑक्साइड कौन सा कलर देता है, तो रेडिश ब्राउन, मैग्नीशिया कौन सा कलर देता है, येलो कलर, हार्डनेस टू द सीमेंट, ये भी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये भी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अगर हम एक्सेस मात्रा में इसको मैग्नीशिया को डाल दे तो क्या हो जाता है, तो सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। अभी अनसाउंड का मतलब बता रहे थे कि आफ्टर द सेटिंग टाइम वॉल्यूम आर इंक्रीजेज, ठीक है। अगर सीमेंट में सेटिंग होने के बाद भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसाउंडनेस। सल्फर, नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस इन सीमेंट, हेंस लीड टू द अनसाउंडनेस। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है इन सीमेंट, तो जिसको हम लोग क्या बोलते थे, अनसाउंडनेस बोलते थे। अल्कलीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस क्या होता है ना, कि सीमेंट में व्हाइट व्हाइट पैचेज हो जाता है, जिसको ऐसे आप लोग बोलते हैं नोनिया लग गया है, पता नहीं ऐसा ही कुछ वर्ड होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भखड़ जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लोरोसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट पैचेज ऑन द सीमेंट, ठीक है। जैसे प्लास्टर व्लास्टर करते होंगे ना तो उखड़ जाता है, नोनिया लग जाता है, जिसको व्हाइट पैचेज बोलते हैं। तो अल्कलीज के कारण क्या होता है, अगर अल्कलीज के कारण क्या होता है, इफ्लोरोसेंस होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बोगस कंपाउंड क्या है। तो ऐसे मतलब आप लोग का डिमांड था कि ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं कीजिएगा, तो अभी रहने देते हैं, ठीक है, 20-22 मिनट का हो गया, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर टू में देखेंगे बोगस कंपाउंड, ठीक है। बोगस कंपाउंड क्या है, तो इसको जो, अच्छा समझ में आ रहा है, चल आपके अनुसार वीडियो चल रहा है, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ स्पीड सही है, और जो भी स्पीड बढ़ाना है या घटाना है या और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है या सही है, आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी डॉट हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर नंबर टू में बोगस कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे बोगस कंपाउंड लेकर आएंगे।